हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ, तो सोचा बड़ा वीडियो बना लेती हूँ, लॉन्ग वीडियो। तो मछली के साथ में सजना का डाठा आलू और कच्चे केले से बनाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। का हरा धनिया है, इसे मैं भी लूँगी पीस के, सब्जी में डालूँगी। मैं प्याज लहसुन मिर्चा हरा मिर्चा ले रही हूँ और इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। हरा धनिया, सरसों आदि, लहसुन मिर्चा से मैं पहले से मछली को फ्राई कर चुकी हूँ, देख सकते हैं आप सब। डाठा आलू और कच्चे केले काट के रखे हुए हैं और धो के रखती हूँ मैं। गर्म हो चुकी है, अब मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल गर्म हो चुकी है, अब मैं सूखा मिर्चा का फ़ौरन और जीरा का फ़ौरन डाल रही हूँ। प्याज लहसुन और हरी मिर्च सब मैं डाल दी हूँ, थोड़ा सा चला लूँगी। 12 मिनट तक इसे पकाऊँगी। ब्राउन हो चुकी है, अब इस पेस्ट को मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ऐसे थोड़ा सा चला लूँगी। ये ब्राउन हो चुकी है, इन सारे सब्जी को और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल रही हूँ। इसे थोड़ा सा चला ले रही हूँ। पानी डाल दे रही हूँ इसमें। और इसे कवर कर रही हूँ थाली से, खोल के इसमें मछली डालूंगी, देख लेती हूँ। मछली डाल रही हूँ, इसे थोड़ा इसे कवर कर दे रही हूँ। इसके बाद रेसिपी बन गई, रेसिपी रेडी हो गई है बन के, आप देख सकते हो। देखिए, अब मैं गैस ओवन को बंद कर दे रही हूँ। ये देखिए, मेरी मछली की रेसिपी रेडी हो गई है, सजना का डाठा, कच्चा केला एंड आलू के साथ, सारे मसाले के साथ बनाई हूँ। अगर ये रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो आप सब घर में ट्राई कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, और लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड, बाय बाय।